नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेडपुल एंड वुल्वरिन वुल्वर 3 का फर्स्ट इशू। इस सीरीज में हम फिर एक बार डेडपुल और वुल्वरिन को देखेंगे, जो न जाने क्या करेंगे। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम लोगन को देखते हैं, जो एक लड़के के साथ शिकार करने निकला था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये इंसानों का नेचर होता है जो वो अपने सूझबूझ से अपने आसपास का परिसर बदल देते हैं। वो इंसान का नेचर होता है जो अपना वंश आगे बढ़ाता है। ये कहते हम देखते हैं कि लोगन और उस बच्चे को वहां पर कोई दिखा देता है, और तब हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वेपन एक्स प्रोग्राम का वुल्वरिन है, जो अगले पर लोगन पे हमला करता है। ये देखकर लोगन उस बच्चे को बचाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वुल्वरिन के अनेक रूप आ जाते हैं और वे लोगन पे हमला करते हैं, और तब लोगन अचानक से जाग जाता है। उसके बाद हम लोगन को देखते हैं जो किसी का पीछा कर रहा था। तभी लोगन कहता है, मेरे पास फोन है पर ये नए जमाने का नहीं है, बस पुराने तरीके का है। मैं ये फोन कभी नहीं उठाता हूँ, क्योंकि जब भी उसकी रिंग बजती है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ तो बुरा होने वाला है। आज भी ये फोन बजा था, जिसका मतलब ये है कि किसी के साथ बुरा हुआ है। इस बार वैनकोर की पीढ़ी इंस्पेक्टर ने मुझे कहा है कि यहाँ कोई आया है जिसे लोगों को खत्म करने में मजा आता है, लेकिन सवाल यह आता है कि मुझे ही क्यों बुलाया, क्योंकि इस चिरान को अपने शिकार के साथ खेलने में आनंद आता है। इसलिए वो ऑफिसर डर गई और उसने मुझे यहाँ बुलाया। तभी वुल्वरिन किसी टेरेस पर आता है और वहां से उस किलर को ट्रैक करने लगता है, और तब वो देखता है कि वो किलर कहाँ पे है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर वुल्वरिन समझ गया था कि वहां पर कोई आया है, और तब हम देखते हैं कि यह धमाका डेडपुल के कारण हुआ था, जो वहां पर किसी से लड़ाई कर रहा था। तभी वो आदमी जो डेडपुल से लड़ाई कर रहा था वो कहता है, मुझे समझ चाहिए। जिस पर डेडपुल उस आदमी से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए इसलिए तुम लोगों को मारते फिरोगे। यहाँ वुल्वरिन फिर एक बार डेडपुल को देखकर परेशान हो चुका था। यहाँ डेडपुल उस आदमी पर हमला करते हुए कहता है, तुम गलत जगह पे आए हो। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि हमारी रिलेशनशिप नुकसानदायी है, लेकिन अब तुम्हें स्किन की जरूरत है समर। लेकिन तभी पीछे से वुल्वरिन आता है और उस आदमी को दूर फेंकता है। ये देखकर डेडपुल कहता है कि मुझे आवाज़ से लगा कि तुम होगे। लेकिन तभी वो आदमी अपनी एनर्जी से वुल्वरिन पर हमला करता है और कहता है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ समर, पर तुम अपना रूप बदल रही हो तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूं। लेकिन तभी वुल्वरिन और डेडपुल मिलकर उस आदमी पर हमला करते हैं। लेकिन तभी वो आदमी डेडपुल और वुल्वरिन के हमले को रोकते हुए कहता है, सब कुछ एक ना एक दिन राख बन जाएगा, इसलिए अब बदलना बंद करो, जैसे हो वैसे बन जाओ। यह कहते हुए आदमी वुल्वरिन को जोरदार पंच मारता है। तभी डेडपुल वुल्वरिन के पास आता है और कहता है, यह देखकर लग रहा है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्वयं की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो क्या एक टीम बनके काम करे। लेकिन तभी वुल्वरिन को गुस्सा आता है और वो अपने क्रॉस डेडपुल के शोल्डर में घुसा देता है और वहां से उस आदमी को मारने जाता है। यह देखकर डेडपुल वुल्वरिन के पैर पर फायर करता है, जिसके कारण वुल्वरिन नीचे गिर गया था, और तब डेडपुल उस आदमी को मारने जाता है। या ये देखकर वो आदमी कहता है, ये सच नहीं है। ये कहते हैं वो आदमी अपने एनर्जी से डेडपुल और वुल्वरिन पर हमला करता है, लेकिन वे दोनों फिर भी उस आदमी को मारने जाते हैं। तभी वुल्वरिन डेडपुल से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ये कहते हैं वुल्वरिन उस आदमी की एनर्जी के सामने डेडपुल को लाता है और आगे बढ़ता है, और डेडपुल से कहता है, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ डेडपुल। तभी देखकर वो आदमी कहता है, तुम अलग हो, तुम रियल हो, प्लीज मेरी मदद करो। ये कहते हैं वो आदमी अपनी एनर्जी से वुल्वरिन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ डेडपुल आता है और वुल्वरिन के शोल्डर पर बैठ जाता है, और फिर दोनों मिलके उस आदमी पर हमला करते हैं। लेकिन उससे भी उस आदमी को कुछ नहीं हुआ था। तभी वो आदमी कहता है, उन लोगों ने मुझे वादा किया था, जो तोहफा मुझे दिया है वो मेरी मदद कर सकता है। पर यह कहते हैं वो आदमी टेरेस पर से छलांग लगाता है। ये देखकर वुल्वरिन उसे रोकने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी नीचे गिरने लगा था, और ये देखकर नीचे खड़े लोग डर जाते हैं। ये सब वुल्वरिन और डेडपुल देख रहे थे, और तब वुल्वरिन अपने क्रॉस निकालता है और डेडपुल अपनी तलवार, और वे दोनों भी उस आदमी के पीछे कूद जाते हैं, और अगले पल वे दोनों मिलके उस आदमी को दो हिस्सों में कर देते हैं। ये देखकर वो आदमी कहता है, मैंने ये गिफ्ट इस्तेमाल किया था,
तो क्या तुम देख रहे हो? लेकिन ये तोहफा वेस्ट गया। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मैं भी कहाँ रियल था। ये कहते हैं वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद हम वहाँ मेडिकल यूनिट देखते हैं जो उस आदमी की लाश को ले जा रहे थे। तो वही ऊपर टेरेस पर हम डेडपूल को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुम मेरे यहाँ ड्रिंक करने आओगे। जिस पर वुल्वरिन डेडपूल से कहता है बाहर में जाओ तुम। जिस पर डेडपूल कहता है तुम्हारी आवाज अलग लग रही है क्योंकि तुम भड़के हुए हो क्योंकि वो मारा गया। लेकिन ऐसे लोगों को खत्म होना पड़ता है। ये कहते हैं डेडपूल अपने रास्ते चला जाता है और वुल्वरिन अपने रास्ते। फिर उसके बाद हम लोगन को देखते हैं जो चोरी छुपे एक रूम में घुस जाता है और तब हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मुझे इस समय प्लेन में होना चाहिए था क्योंकि मॉन्स्टर मर चुका है। पर उसकी कही हुई एक बात तोहफा वेस्ट हो गया ये समझ में नहीं आ गई। लगता है कि इस पावर गेम में ये किलर नहीं है। मुझे लगता है कि कोई तो है जो इस तरह के मॉन्स्टर्स बना रहा है और शायद मैं उसे जानता हूँ। ये कहते हैं लोगन वहाँ पर रखे हुए कूड़ेदान में से मोबाइल निकालता है जिसे देखकर लोगन समझ जाता है कि उससे पहले यहाँ पर डेडपूल आया था। अब सीन शिफ्ट होती है और हम रशिया देखते हैं जहाँ पर वुल्वरिन आ चुका है और तब वुल्वरिन कहता है कि फौज की मदद से मैं यहाँ आ गया हूँ। ये जगह बड़ी है पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हैं वुल्वरिन वहाँ के किसी कमरे के बाहर आता है और उस कमरे का ताला तोड़ देता है और अंदर आके देखता है कि उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ डेडपूल के आर्टिफैक्ट्स थे। तभी वुल्वरिन कहता है मैंने पता किया यहाँ पर सोनिया रेविड के नाम से बुक किया गया है और उसके साथ एक गेस्ट भी है जिसका नाम अर्नी वुल्फ है। लेकिन तभी वहाँ पर वुल्वरिन पर हमला होता है। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत अपने क्रॉस निकालता है और उन लोगों को खत्म करने लगता है और कहता है ये तो एनेंस ह्यूमंस है जिसका स्मेल भी वैसा है जैसा उस किलर का था। लेकिन तभी वे सारे लोग मिलके वुल्वरिन पर फायरिंग कर देते हैं। ये देखकर वुल्वरिन को गुस्सा आता है और वो उन सारे लोगों को खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ होने के बाद लोगन देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ गया था जो वहाँ आते ही लोगन से कहता है क्या तुम बॉलशाय को गए हो? तुम्हारी टक्कर का वहाँ पर कोई है, तुम उसके साथ अच्छा परफॉर्म करोगी। यह सुनते ही वुल्वरिन समझ जाता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं डेडपूल है और तब वुल्वरिन उस आदमी से कहता है डेडपूल क्या कर रहा है? जिस पर वो आदमी एक लेटर निकालता है और कहता है जवाब इसमें है। फिर उसके बाद हम लोगन को देखते हैं जो उस लेटर में दिए हुए एड्रेस पर आता है और कहता है कि डेडपूल अब तुमने क्या किया? ये कहते हैं वुल्वरिन देखता है कि उस एड्रेस पर एक बड़ा सा महल था। तभी वहाँ के गार्ड्स लोगन को देखते हैं और उसे स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही लोगन आगे बढ़ता है वो वहाँ पर सबसे छोटा हो जाता है और बाकी सब लोग उससे बड़े। तभी वुल्वरिन को देखकर वहाँ के लोग कहते हैं देखो वो आ गया और तब सारे लोग वुल्वरिन को देखकर खुश होने लगते हैं। तभी ये देखकर वुल्वरिन वहाँ खड़े सारे लोगों से पूछने लगता है कि डेडपूल कहाँ पे है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता है। तभी वुल्वरिन आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ डेडपूल पर किसी तरह का प्रयोग किया गया था। ये देखकर वुल्वरिन को गुस्सा आता है और तब वुल्वरिन को एक अवसर देती है जो कहता है कि उसने करेज को चुना है जिसके कारण वह उसे इवॉल्व कर पाया। ये सुनते ही वुल्वरिन देखता है कि डेडपूल को खुला छोड़ दिया है। तभी देखकर वुल्वरिन डेडपूल को बुलाने लगता है, लेकिन तभी डेडपूल अपने हाथों से तलवार निकालता है और वुल्वरिन के सीने में घुसा देता है। यह सारे लोग ये देखकर खुश हो रहे थे और वे लोग ताली बजाने लगते हैं। ये देखकर डेडपूल फिर से वुल्वरिन पर हमला करता है, लेकिन इस बार वुल्वरिन डेडपूल के हमले को डॉच करता है और कहता है ठीक है वेड, तुम्हें लड़ाई करनी है ना, तो यही सही। जिस पर डेडपूल लोगन से कहता है मैं तुम्हें आज खत्म करने वाला हूँ। ये कहते हैं डेडपूल वुल्वरिन पर हमला करता है और कुछ इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।